बारों मकानों अहातों से बाहर, दीवारों मकानों अहातों से बाहर, चमन और भी गुलसिता और भी है। पढ़ो और पढ़ाओ करो दिल को रोशन, उजालों की अब दास्तार भी है। उठाओ नजर वो पलक से भी आगे, जहाँ भी आसमां और भी है, जहाँ भी आसमां और भी है, जहाँ भी आसमां और भी है। ये कहानी है मनोज की। मनोज भी कभी इन बच्चों में से एक था, पर अब वो बहुत आगे निकल चुका है। इनके भी कुछ सपने हैं, परियों के, स्कूल के, रंग बिरंगी किताबों के, कुछ बनने के। माता पुल करना साहब जी, हाँ साहब पुल पुले। बोलो साहब कौन सी गाड़ी है? हाँ साहब जी कौन सी गाड़ी था? जल्दी मत करो, जल्दी मत करो, जल्दी मत करो। मनोज की तरह इन बच्चों ने भी अपना घर छोड़ दिया है। दूर दराज के इलाकों से कुछ तो दिल्ली का मुंह लेकर आए हैं और कुछ पढ़ने लिखने की उम्मीद से। ये हैं राजा, बाबुल, सुंदर और शाहजहां बादशाह। जहां ये बच्चे रहते और काम करते हैं, वहीं पर रोज 3 घंटे दिन में पढ़ाई होती है। क्लास में जमा होना इन बच्चों की मर्जी पर है, पर ये पढ़ने जरूर आते हैं, क्योंकि यहाँ पढ़ाई खेल खेल में होती है। इन्हें भी मजा आता है और पढ़ाने में दीदी और मनोज को भी। मनोज इन बच्चों का सिर्फ टीचर ही नहीं, बड़ा भाई, दोस्त और सच्चा हमसफर है। इन बच्चों की परेशानियों को मनोज बेहतर ढंग से समझ सकता है, क्योंकि वो इन सब समस्याओं से गुजर चुका है जिन परेशानियों से आज ये बच्चे जूझ रहे हैं। यहाँ पढ़ने लिखने का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, इन बच्चों से जुड़ा है मनोज का प्यार, विश्वास और सुरक्षा। इन बच्चों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी बातों को आधार बनाकर इनको चित्रकला, भूगोल, हिंदी और इतिहास की जानकारी दी जाती है। खेल खेल में दीदी इन्हें हिसाब सिखा रही है, जो इनकी हर दिन की जिंदगी में काम आएगा। अमिताभ बच्चन का हम धरेंगे। कुछ बच्चे मनोज के साथ बैठकर फोटो तस्वीरों का मुआयना कर रहे हैं। लड़ाई झगड़े से बचना, बुरी आदतों से दूर रहना और पढ़ाई लिखाई के फायदे, इन सब बातों को मनोज किस्सा गोई के अंदाज में सुनाता है। मनोज खुद भी संस्था के इन्हीं तरीकों से पढ़ा है। अच्छा तू लड़ाई करता है? तू लड़ाई करता है? अच्छा क्या क्या नाम है तेरा? ये जोर से बोलना मेरे, इतने धीरे से क्यों बोल रहा है? शाहजहां बादशाह। अच्छा ये तू लड़ रहा है? लड़ाई कर रहा है इससे? नहीं। हाँ कौन कर रहा है फिर तू बता, ये और कौन? अच्छा देखो बच्चों, आज मैं जो तुमको दिखा रहा हूँ, ये बच्चों की अपनी कहानी, मतलब तुम जैसे जो बच्चे हैं ना, उनकी अपनी कहानी थी ना, तुम्हारे से ये मिली जुली कहानी है, ठीक है? मनोज भी इन्हीं बच्चों की तरह था। गढ़वाल के पिथौरागढ़ जिले के एक छोटे से गांव में रहता था। पिता नहीं थे, केवल माँ थी। मनोज स्कूल नहीं जाता था, लेकिन अपने दोस्तों की तरह उसका भी मन पढ़ने को करता। पिता के मरने के बाद मनोज अपने ताऊ के साथ रहने लगा। कई तरह के पारिवारिक खर्चों के कारण मनोज को स्कूल भेज पाना संभव नहीं था। एक तो पहाड़ी इलाका होने की वजह से पिथौरागढ़ में काफी ठंड पड़ती है, दूसरे स्कूल भी मनोज के ताऊ के घर से काफी दूर था। इन्हीं सब बातों से मनोज का मन उदास रहने लगा। मनोज को लगा कि उसके उन सभी सपनों का दम घुट रहा है
जो उसने बचपन में देखे थे। और एक दिन मनोज ने अपनी 10 साल की नाजुक उम्र में घर छोड़ने का फैसला कर लिया। आज मनोज को घर छोड़े 11 साल हो चुके हैं, लेकिन वो उन पुरानी जगहों को नहीं भूला है जिस ढाबे पर उसने दिल्ली आकर सबसे पहले काम करना शुरू किया था। जब भी वो घर से लौटता है, इन पुराने अड्डों पर जरूर आता है। दिल्ली से 34 किलोमीटर दूर ये वही ढाबा है जहां मनोज 10 साल की उम्र में आया था। वही जगह, वही चाय, वही बेंच, सिर्फ शक्लें बदल गई हैं और वक्त भी। शाम के वक्त किसी ढाबे पर एकांत बैठना उसे उन पुराने दिनों की याद दिलाता है जब वो अक्सर परेशान रहता था। मनोज ने अपनी नाजुक उम्र के कुछ महत्वपूर्ण पल इसी ढाबे पर गुजारे हैं। डर भी लगा था और घर की याद भी आती थी। सोचता था कि यार मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, क्या करूँगा यहाँ। इससे ज़्यादा घर ही ठीक था। डांट पड़ती थी वो भी ठीक था, मार पड़ती थी वो भी ठीक था। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता कि यहाँ फिर दोस्त मिल गए थे काफ़ी, मतलब अपने ही उसके जो भागे हुए थे ऐसे ऐसे के। फिर मतलब क्या होता जब उनके घुल मिल गए तो फिर इतना वो नहीं आते थे, याद नहीं आते। डर भी मतलब क्या कम था कि, और क्या यही सोचते थे कि हमको मालूम ही होता था कि बस पुलिस ही सब कुछ है, वही जो है सरकार है, वही उसी के हाथ में सब चीज़ है और वही कि हमको बंद करेगी, मारेगी, पैसे छीनती है, उसी का वो है और कोई नहीं। कुछ दिनों के बाद ही मनोज को पता चल गया कि उसका पढ़ने लिखने का सपना ढाबे पर रहकर पूरा नहीं हो सकता। जो कुछ भी मनोज ने संस्था से सीखा है और समझा है उसे इन बच्चों में बांटता है। रात हो चुकी है, आने जाने वाले यात्रियों की चहल पहल शुरू हो गई है। इन बच्चों को छोड़कर मनोज भी अपने घर चला गया है। मनोज का हर रोज का साथ इन बच्चों की कोमल भावनाओं को सुरक्षा और विश्वास से भरता है। ये बच्चे भी एक दिन उसी की तरह बनने का सपना देखते हैं। इन्हें किसी अगली गाड़ी के आने का इंतजार है। शायद वो गाड़ी इनकी समस्याओं का कोई समाधान लेकर आए। अगली सुबह एक बार फिर वही जगह, वही किताबें और मनोज का साथ। नाम क्या बताया तुमने? जावेद। जावेद ना, हिंदू मुस्लिम। बहुत छोटे से ही मनोज काम करने लगा था। उसे सेहत और साफ सफाई की जानकारी ना के बराबर थी। खाने पीने का कोई रूटीन नहीं था, सड़ा गला खाना खा लेता था। इन्हीं कारणों से उसका शरीर काफी कमजोर हो गया, लेकिन पढ़ लिख कर उसने शरीर के स्वास्थ्य और साफ सफाई की कीमत को पहचाना। आज हर रोज वर्जिश करता है। पहाड़ों से रिश्ता होने की वजह से उसे माउंटेनियरिंग का भी शौक है। मनोज पहले लोगों का सामान ढोने वाला कुली था। कड़ी मेहनत से उसने पढ़ाई लिखाई की। संस्था ने उसे स्ट्रीट एजुकेटर की नौकरी दी है। ये वो संस्था है जिसने एक बाल मजदूर को, एक बेसहारा बच्चे को अपनाया और इस काबिल बनाया कि आज वो मनोज के नाम से जाना जाता है। बच्चों को स्टेशन पर पढ़ाने के अलावा मनोज अपना काफी समय ऑफिस के कामकाज में खर्च करता है। दूसरे स्ट्रीट एजुकेटर्स के कामकाज की सूची बनाता है।
हर रोज होने वाली मीटिंग्स को सही ढंग से प्लान करता है। ऑफिस की लगभग सभी गतिविधियों में मनोज की भागीदारी रहती है। वो संस्था के उन कार्यकर्ताओं में से एक है जिन पर संस्था गर्व कर सकती है। जो कुछ भी ऑफिस में होता है उसकी सही रिपोर्ट अपने बॉस तक पहुंचाना मनोज की हर रोज की जिम्मेदारी है। ये वही महिला है जिसने मनोज को एक बाल मजदूर से ऑफिस की कुर्सी पर बैठकर काम करने लायक इंसान बनाया और देश विदेश में होने वाली गोष्ठियों में शामिल होने का मौका भी दिया। ठीक नहीं है, मैंने लगा जब तुम 16-17 साल के हो जाओगे तो तुम 10वीं पास करोगे तो आना, और मेरा भी सुन लोगे अच्छा काम मिल जाएगा तुमको यहाँ। समझाया मैंने, चलो हम बात करेंगे। मनोज के अलावा इस संस्था ने कई अन्य बेसहारा बच्चों को भी सहारा दिया है। मनोज देर रात तक ऑफिस के कामकाज में लगा रहता है। आखिर उसके काम करने के इस जुनून के पीछे कौन सी बात छुपी है? क्योंकि मेरा सोचना यह है कि जब किसी ने मुझको मेरे लिए इतनी मदद किया है, मुझे इस लायक बनाया है, क्यों ना मैं दूसरों अपने दोस्तों की मदद करूं, मतलब कि उनकी क्यों ना मैं उनको मतलब कि उनसे जो वो थोड़ा जितना भी हो सकता है ऊपर लेके आऊँ ताकि वो भी अपने पैरों में खड़े हों और कुछ अच्छा काम करें। स्टेशन ही इन बच्चों का घर है। ये बच्चे एक परिवार की तरह रहते हैं। अपनी दिनचर्या के सभी काम भी ये बच्चे स्टेशन पर ही निपटाते हैं। अब चाहे वो खाना पीना हो या नहाना धोना, जब यहीं सब कुछ करते हैं तो नहाने धोने कहीं और क्यों जाएं? शरीर की सफाई का ज्ञान इन्हें है। ये बच्चे हर रोज नहाते हैं। अपनी साफ सफाई का ज्ञान होना भी इन बच्चों को दी जा रही शिक्षा का ही एक हिस्सा है। पढ़ने लिखने से जीवन की कुछ जरूरी बातों को यदि ये समझ जाते हैं तो इनके बचपन में कुछ तो बदलाव आएगा। रंजना भी मनोज की तरह स्ट्रीट एजुकेटर है। मनोज के साथ संस्था में काम करती है। आज रविवार है, छुट्टी का दिन है, पेड़ के नीचे क्लास नहीं होगी, लेकिन मनोज और रंजना इन बच्चों के साथ हैं। और खुशियां भले ही इनके बचपन में ना हो, कुछ देर का साथ ही है जब ये सब कुछ भूल जाते हैं। एम ये रहता है, एक मतलब मेरा मानना ये है कि हम बच्चों को बचपन देते हैं, जो ये पूरी तरह से अपना बचपन खो चुके हैं। क्योंकि ये बच्चे, हम लोग कुछ भी प्लान करते हैं तो अकॉर्डिंग टू देम, हम लोग लेसन प्लान करते हैं, देन वी प्री टेस्ट देम टू चिल्ड्रंस, एंड अगर वो लोग ओके कर देते हैं, हाँ ठीक है, हमें लगता है कि रिलेवेंट है ये, तो हम उसको रखते हैं। अदरवाइज हम लोग उस पर फिर से दोबारा मेहनत करते हैं कि नहीं, अगर बच्चे की पहुँच से दूर जा रहा है तो हम मतलब कोई फ़ायदा नहीं है हमें उसको देने का। गणित, चित्रकला, भूगोल की पढ़ाई तो इन बच्चों को कराई ही जाती है, लेकिन साथ में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि इन बच्चों को व्यावसायिक ट्रेनिंग से भी जोड़ा जाए, जिससे इन्हें रोजगार मिल सके और ये बच्चे अपने पैरों पर खड़े होकर सम्मान से समाज में जी सकें। Those children whom we have put, the retention level is very high. There is zero dropout, and the children do very well in school. In fact, in one of the slums where we work, it's a small little camp. It's called Bengali camp. 100% children of school going age are in the schools.
In the others, about 94%. As an NGO, we've been trying to persuade the Department of Education that if they could hold fifth standard level examinations twice a year, then children who go through the non-formal education can sit for those exams and clear it. Then that makes it easier for this child to be enrolled into the middle school or wherever and then go on to for his education. मनोज की मेहनत और लगन को देखते हुए संस्था के लोगों ने मनोज के रहने का इंतजाम किया है। संस्था के पुराने दफ्तर को ही मनोज का घर बनाया गया है। मनोज अपने इस नए घर में खुश है। स्टेशन या बाजार में काम करने वाले ये बच्चे अक्सर हारी बीमारी में मनोज के पास रहने आ जाते हैं। कुछ को तो मनोज का साथ इतना अच्छा लगता है कि वो अपना हक समझ कर आते हैं, मनोज के पास पैसे भी जमा करते हैं, साथ मिलकर खाना भी बनाना सीखते हैं। स्टेशन का सड़ा गला खाना खाते तो अब मन उब गया है। आज घर का खाना ही सही। खाना खाने के बाद थोड़ा मनोरंजन भी जरूरी है। कौन है दावचन, कौन माधुरी है? दावचन है माधुरी। ठीक है, इसको हम कैसे खेलेंगे? जैसे हमने कैरम बोर्ड खेलते हैं ना, इडन से खेलेंगे। ठीक है, इसको भी रख दे। हाँ जल्दी आ। अरे तू कहाँ था? अंदर। क्या कर रहा था? किताब पढ़ रहा था। अरे वाह, चलो हम तीनों खेलते हैं। हाँ अभी बड़ा मार। कितने हुए? तो नौ है ना? नहीं, छह। छह और तीन कितने होते हैं? आठ होगा। चार तीन आठ होते हैं? नौ। अच्छा ठीक है, चल सुन। यहाँ तो घर की छत है, किसी बात की चिंता फिक्र नहीं। मनोज भैया भी साथ हैं, कम से कम एक रात तो उन सभी परेशानियों से दूर हैं जिनसे ये अक्सर घिरे रहते हैं। उनका शोषण भी होता है बच्चों का, जो बड़े जो उनके इंक्लूड रहता है बड़ों में से, लेकिन बड़े लोग छोटे से वो करते हैं और पैसे छीनना और एक जगह सो रहा था उसको मार के भगाना वहाँ से भगा देते हैं। ये सब बहुत सारी कंप्लेंट आती हैं और ज़्यादातर कंप्लेंट क्या होती है, पुलिस की आती हैं, बड़े दादाओं की आती हैं और जो ये शोषण की इतना मतलब नहीं आता है, लेकिन जब ग्रुप में होते हैं तो एक दूसरे की पोल खोल के बजाते रहते हैं। हम लोग जाते हैं, उस बच्चे से बात करते हैं, पूछते हैं भाई क्या हुआ आपके साथ। वो बहुत कॉन्फिडेंस में लेने के बाद बच्चे से बात करनी पड़ती है, अदरवाइज वो कभी नहीं बताता है। तो अगर हमारा रैपो बन चुका होता है उस बच्चे के साथ, तो वो धीरे धीरे बताना शुरू करता है कि स्पेसिफिक अगर हम जाएंगे तो मैं तो यहाँ पे काम करता हूँ लेकिन जो पैसा कमाता हूँ वो छीन लेता है, ठीक है, फिर या फिर मैं काम नहीं कर पाता हूँ दीदी और इसलिए मेरे को खाने के लिए तो चाहिए होता है, तो अगर मैं राजा के पास जाऊँगा तो वो मेरे को खाने को देगा, फिर वो मेरे साथ कुछ भी करे दीदी, फिर लेकिन वो करता है तो है ना, मेरे को हेल्प तो करता है, वो मेरे को खाने को तो देता है। तो अगर वो लोग अपनी नीड्स खुद नहीं पूरी कर पाते हैं तो अब्यूज्ड हो जाते हैं, मतलब बहुत इजीली अब्यूज्ड हो जाते हैं। यहाँ रहने के कई खतरे हैं, उन खतरों से लड़ना इनकी दिनचर्या में शामिल है। शाहजहां शायद किसी अधिकारी से डर कर भाग रहा है, कभी कभी इस भाग दौड़ में चोटें भी लगती हैं। आखिर सब कुछ झेलना तो शरीर को ही पड़ता है। किसी तरह आज तो बच गए, लेकिन कल का क्या पता। जिस संस्था में मनोज काम करता है उसी संस्था की ओर से हर हफ्ते दवा पट्टी के लिए एक हेल्थ वैन आती है। इन बच्चों में कभी कभी आपसी लड़ाई झगड़े और मारपीट भी होती है, बुखार खांसी जुकाम तो लगा ही रहता है। हेल्थ वैन में जाकर ये बच्चे समय समय पर अपने स्वास्थ्य की जांच करा सकते हैं, बीमारी की सही दवा आसानी से ले सकते हैं। पढ़ लिख कर मनोज आज अपने शरीर का बचाव करना सीख गया है, शायद कल इन बच्चों को भी इस बात की समझ आए। अभी मैं 12वीं में हूँ और आगे को और भी विचार है आगे पढ़ने के लिए। आगे सोच रहा हूँ कि
क्योंकि मेरी लाइन तो यही है कि मैं इसी में यही काम करूंगा आगे को, मतलब कि कहीं पर भी सोशोलॉजी की। इसके बाद बीए करूंगा सोशोलॉजी से, और अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद फिर मैं एमएसडब्ल्यू करने की कोशिश करूंगा अगर मौका मिला तो। स्टेशन पर बच्चों को पढ़ाने के अलावा दिन भर दफ्तर में काम करने के बाद मनोज अपने घर पहुंचा है। जब वो भागकर दिल्ली आया था उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि दिल्ली जैसे शहर में उसका भी घर होगा। आज उसकी सुविधा के हर सामान उसके पास है, दिन भर की थकान के बाद कुछ आराम के पल भी। मनोज का हर कदम आगे की ओर है। वो एक मोटरसाइकिल खरीदना चाहता है, तब वो बसों में खर्च होने वाले कीमती समय का सही इस्तेमाल कर पाएगा। अपनी माँ को भी दिल्ली लाना चाहता है, जिसकी आशा उसे कई वर्षों से रही है। दिल्ली के बड़े बाजार INA में जो लड़के कुलीगिरी का काम करते हैं वो उम्र में बड़े हैं, लगभग 18 वर्ष के। छोटे बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ मनोज इन बड़े लड़कों के साथ भी काम करता है। लोग इनके हाथों में टोकरी थमाकर खरीदारी करते हैं। धीरे धीरे टोकरी का वजन बढ़ता जाता है। ये लगभग इनका हर रोज का काम है। उन्हें समझाता है कि तुम्हें किसी व्यावसायिक कोर्स की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, वरना जिंदगी भर कुलीगिरी का काम ही करते रहोगे। We asked a market research group to do an assessment, and they said that there are two sectors, the household sector, and then you have the service sector. So we have started these two vocational trainings projects. One is restaurant, where the older boys can get a training in how to run and manage a restaurant and in food production. We have been lucky that the Pusa Institute of Hotel Management and Catering did give training to two of our older boys in kitchen management and food production. And we hope that with that training, these boys can get jobs in any five-star hotels or even fast food joints. The other is electrical repairs and maintenance. And we found that in Delhi, you only have half-baked electricians. And there is a crying need to have professionally qualified electricians, and that's the training that we're giving these boys. जहाँ एक ओर सामान ढोने वाले बड़े लड़के हैं, वहीं दूसरी तरफ बाजार में छोटे बच्चे भी हैं। फुटपाथ पर सोते हैं। एक तरफ लोगों की भारी भीड़ होती है, वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक का शोर, गाड़ियों के हॉर्न की आवाजें, उसके बावजूद भी ये बच्चे पढ़ते हैं। इनको बांधे रखने में मनोज को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे यहाँ हिंदी और गणित सीखते हैं, जो विषय इनकी हर रोज की जिंदगी में बहुत काम आते हैं। मनोज की मेहनत और इस पढ़ाई लिखाई से ये बच्चे फुटपाथ से उठकर जीवन का कोई सही रास्ता अपनाने की उम्मीद कर सकते हैं। इनके दिलों में बड़े बड़े अरमान हैं। पूरी जिंदगी कुलीगिरी नहीं करना चाहते। पढ़ लिख कर कोई आर्मी में जाने की बात कहता है तो कोई मनोज की तरह पढ़ाना चाहता है। पढ़ाई लिखाई कर लेने के बाद आज मनोज एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से वो अपने भविष्य को एक मजबूत आधार दे सकता है। इसी तरह से ये बच्चे भी शायद पढ़ लिख कर एक दिन अपने सपनों और अरमानों को पूरा होते देखेंगे।